ओला एथर सिंपल वन बजाज हीरो इन बारे में सब लोग बात करते हैं बट बेनलिंग और बैटरी के बारे में कौन बात करता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल कंपैरिजन देने वाला हूं कि बेनलिंग का जो नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ है नाम क्या है उसका, पता है ना आपको, बिलीव, विश्वास रखो बिलीव, और जो बैटरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर है स्टोरी, ये बहुत ही जबरदस्त स्कूटर है दोनों के जो रेंज है 100 किलोमीटर से ज्यादा है। तो डिटेल कंपैरिजन करेंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आप अगर चैनल पे नए हो एक याद रखना इस चैनल जैसे वीडियो शायद आपको ना मिले, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना उस चैनल की लिंक, मैं जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा और अपडेट्स आप लेते रहना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को शुरुआत करते हैं बैटरी स्टोरी वर्सेस बेनलिंग का बिलीव। नमस्ते दोस्तों, दिस इज पीवीजे, आपके सामने अभी आपको दिख रहा है दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर बेनलिंग का बिलीव और बैटरी का स्टोरी। हम इसका कंपैरिजन करेंगे कंसीडरिंग बैटरी, मोटर, रेंज, टॉप स्पीड, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ग्रिडेबिलिटी, कर्व वेट, बूट स्पेस एंड ऑफ कोर्स एक्स शोरूम प्राइस। आज थोड़ा उल्टा जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्स शोरूम प्राइस से। गाइस एक आपको रिक्वेस्ट है, एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, ये जो प्राइजेस होते हैं ये सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट वैरी हो सकते हैं। तो आपके स्टेट में अगर अलग प्राइस है तो वो डीलरशिप या डीलर से जाके आप पूछिएगा। यहां पे मैंने लिखा है 97,520 को आपको बेनलिंग का बिलीव मिल जाएगा और 89,600 को आपको बैटरी का स्टोरी मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसकी बैटरी कैपेसिटी। दोनों जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनकी बैटरी कैपेसिटी लगभग सेम है, 3.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है आपको बेनलिंग के बिलीव में और 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है आपको बैटरी के स्टोरी में। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है इनकी केमिस्ट्री आप चेक कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बैटरी का जो स्टोरी है उसमें NMC केमिस्ट्री है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और बेनलिंग का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है बिलीव उसमें LFP केमिस्ट्री है। तो मैंने ऑलरेडी बोला है LFP और NMC में डिफरेंस क्या है, आपको पता है कौन सी अच्छी है। आपको अगर नहीं पता या पता भी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा आपको क्या लगता है कौन सी अच्छी है, NMC अच्छी है या LFP अच्छी है। तो दोनों में आपको बैटरी सेम कैपेसिटी की मिल जाएगी। अगर मोटर की बात करें तो 3.2 किलोवाट पिक पावर वाला मोटर आपको बेनलिंग बिलीव में मिल जाएगा, स्टोरी में आपको 2 किलोवाट पिक पावर वाला मोटर मिलेगा, दोनों में आपको BLDC हब मोटर मिल जाता है। रेंज की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको दिख जाएगा 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज मिल रहा है, 120 किलोमीटर का रेंज आपको बेनलिंग के बिलीव में मिलता है, 132 किलोमीटर का रेंज आपको बैटरी के स्टोरी में मिलता है। अगर मैं लुक्स की बात करूं तो बैटरी स्टोरी बहुत अच्छा है क्योंकि दिखने के लिए वो मस्त है, जो स्टोरी बिलीव है थोड़ा सा अगर लुक पे काम कर देना मजा आ जाता। बहुत सारे लोगों को चाइनीज लगता है क्योंकि लुक्स बेस्ट होना इंपॉर्टेंट है, जो दिखता है वो बिकता है। ओके, टॉप स्पीड की बात करें तो 675 KMPH का टॉप स्पीड आपको मिल जाएगा बिलीव में और 65 का आपको मिल जाएगा बैटरी के स्टोरी में। अगर मैं बात करूं टॉर्क की तो ये जो बिलीव है इन्होंने टॉर्क मेंशन ही नहीं किया भाई, कितना टॉर्क मिलेगा इनके गाड़ी को, बट इनका अगर मोटर आप देखो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा टॉर्क मिल सकता है, करीबन 25-30 Nm का टॉर्क मिल सकता है। अगर बैटरी के स्टोरी की बात करें तो 20 Nm का टॉर्क इसमें अवेलेबल है। टॉर्क एक बहुत जबरदस्त बात है, इनिशियली आपको जो पुश मिलता है आपको ओवरटेकिंग करना है वहां पे टॉर्क बहुत काम में आता है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां पे बिलीव ने एक्सेलरेशन मेंशन किया है बट बैटरी ने एक्सेलरेशन मेंशन नहीं किया, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। बट मुझे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नहीं मिला, मैं शायद चाहिए तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूं। बिलीव जो है 0-40 अचीव कर देगा 5.5 सेकंड्स में। ग्रिडेबिलिटी की बात करें तो फिर से यहां पे बहुत अच्छी ग्रिडेबिलिटी है, 18 डिग्रीज ग्रिडेबिलिटी, पता है ना आपको, अगर आप फ्लाई ओवर चढ़ रहे हो तो ये जो एंगल है ये कितना एंगल आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवरकम कर सकता है उसको बोलते हैं ग्रिडेबिलिटी। तो वो 18 डिग्री की ग्रिडेबिलिटी आपको बेनलिंग के बिलीव में मिल जाएगी। बैटरी स्टोरी ने मेंशन नहीं किया, फिर से मुझे ऐसा लगता है इनकी 10-12 डिग्री ग्रिडेबिलिटी आपको बैटरी के स्टोरी में मिल जाएगी। कर्व वेट की बात करें तो ऑफ कोर्स कर्व वेट अभी बेनलिंग के बिलीव का ज्यादा होने वाला है क्योंकि LFP केमिस्ट्री है। LFP केमिस्ट्री का जो बैटरी होता है, LFP का सेल वो ज्यादा बड़ा होता है, सेम कैपेसिटी के लिए LFP का सेल बड़ा होता है और उसके वजह से उसका वेट भी ज्यादा होता है और वो ज्यादा जगह भी खा लेता है। इसलिए ओला, एथर, सिंपल वन, बजाज, इन्होंने NMC नहीं लिया क्योंकि डिजाइन कंसिडरेशंस में शायद उनके वो फिट नहीं बैठता, इसलिए वो NMC के साथ गए, LFP के साथ नहीं गए। तो 115 किलोग्राम्स तक वजन हो सकता
सकता है बेनलिंग के बिलीव का 105 किलोग्राम वजन है बैटरी के स्टोरी का। अगर बूट स्पेस की बात करें तो दोनों के शायद बूट स्पेस जीरो है, क्योंकि दोनों ने मेंशन नहीं किया है तो शायद बूट स्पेस इनके अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है भाई तो वेबसाइट पे मेंशन कर दो बूट स्पेस जीरो लीटर्स, मेंशन तो करो, आप स्टेटमेंट तो डालो भाई बूट स्पेस नहीं मिलता। एक शोरूम प्राइस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है गाइज। ये देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है। मैं तो खाली आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं तो खाली शेयर कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल है, तो ये आपकी चॉइस रहेगी। अगर आपको चाहिए तो दो मिनट में आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ मैं बेनलिंग का, तो ऑलरेडी मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया है भाई। मैं बैटरी का आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ जल्दी से। मैं चाहता हूँ गूगल क्रोम पे यहाँ पे बैटरी स्टोरी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने डाल दिया और यहाँ पे उनके वेबसाइट पे चले गए हम। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ब्रोशर में गया। पूरा ब्रोशर में आपको दिखाता हूँ, ये पूरा ब्रोशर है उनका और ब्रोशर में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, यू कैन सी NCM। अभी मुझे आप बोला NCM ऐसा है कुछ, NMC है भाई, निकेल मैंगनीज कोबाल्ट। NCM is wrong, it is NMC। तो हो सकता है भाई गलतियां हो सकती है, बट वो सुधार दीजिए। तो यहाँ पे मेंशन किया 1200 साइकिल। अभी मुझे पता है NMC केमिस्ट्री में 800 से 1000 मिलता है, अगर 1200 मिल रहे अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कर्व वेट भी दे दिया 105 किलोग्राम, लोड कैरिंग कैपेसिटी 255 किलोग्राम, जो बेनलिंग का बिलीव है उसकी 258 है, मतलब लगभग सेम है। IP65 रेटेड इसकी बैटरी होंगी और आपको दिख जाएगा कि इस पर 5 घंटे लगेंगे चार्जिंग के लिए। 2 किलोवाट का पिक पावर है। ल्यूकास टीवीएस का इनका मोटर है जो IP67 रेटेड है, तो ये ज़बरदस्त बात है। IP67 रेटेड आपको मोटर मिल रहा है, मतलब पानी में आप उसको लेके जा सकते हो। 5 इंच TFT स्मार्ट डिस्प्ले वगैरह वगैरह बाकी सब मिल जाएगा। तो गाइज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि बैटरी और बेनलिंग, जो आई थिंक कोई तो भी अपने सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट भी डाला था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाए, सर मैंने बना दिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो करो, PVJ_तस्वीर मेरा हैंडल है। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ऐसा ही सपोर्ट जारी रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।